हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th, साइंस सब्जेक्ट, चैप्टर 9, रेस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 9 रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन कराऊंगी। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी बुक से, जिनको मैं आज एक्सप्लेन कराऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ऑल बॉडी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई, जो रेस्पायरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जिसको जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी लेते हैं। हेयर ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग CO2, H2O एंड एनर्जी। और जो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वे होता कैसे है कि इसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2O एंड एनर्जी में टूट जाता है। यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसमें जो हमने कार्बोहाइड्रेट ली है और जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर उसे किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है? CO2 में, वाटर में एंड एनर्जी में। और खाना खाते ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है। ठीक उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि जो हम खाना खाने के बाद जो हमें सांस के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पसीने के रूप में जो वाटर आता है या जो हमें एनर्जी मिल रही है, ये इन्हीं चीज़ों का जो यूज़ है वो प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें वही मिलती है जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, और सनलाइट से मिलेगी एनर्जी उन्हें, और फिर वो अपना भोजन बनाएंगे। और अपना भोजन जैसे ही वो बनाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल हम अपने खाने के लिए करते हैं। तो जो रेस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है ब्रीदिंग। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस थ्रू द नोज। भाई, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसे हम किसके द्वारा लेते हैं? नोज के द्वारा लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। और इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग आउट इज नोन एज एक्सहेलेशन। भाई, जब हम सांस लेते हैं तब इनहेलेशन होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तब एक्सहेलेशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रेट ऑफ ब्रीदिंग। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। भाई, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, यानी कि सांस लेने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन, एक मनुष्य एक समय में कितनी बार सांस लेता है एक मिनट में, वो ब्रीदिंग रेट कहलाती है। जैसे कि इन एन एवरेज डे ए पर्सन ब्रीद इन एंड आउट ऑफ 13,000 लीटर्स ऑफ एयर। जैसे कि एक एवरेज डे होता है, उसमें कोई भी मनुष्य जो सांस लेता है वो लगभग सांस लेना और सांस जो छोड़ना है वो लगभग 13,000 होता है। नेक्स्ट आता है एट रेस्ट, जब हम रेस्ट के समय होते हैं, आराम करते हैं, तब ए न्यू बोर्न बेबी विल ब्रीद 50 to 60 टाइम्स इन ए मिनट। एक न्यू बोर्न बेबी यानी कि जो एक जन्म नया जन्मा बच्चा है वो एक मिनट में 50 से 60 बार सांस लेता है। सेकंड पॉइंट है ए 4 इयर्स ओल्ड चाइल्ड विल ब्रीद 25 टाइम्स ए मिनट। एक 4 साल का जो बच्चा होता है वो एक मिनट में 25 बार सांस लेता है। एन एडल्ट विल ब्रीद ओनली 12 to 18 टाइम्स ए मिनट। और एक जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होता है वो एक मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। भाई, एक्सरसाइज के समय क्या होता है? आवर ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड द रेट इंक्रीज
इंक्रीजेस टू ऑलमोस्ट 50 से 60 टाइम्स पर मिनट। भाई जो हमारी ब्रीदिंग है, जो हमारी सांस लेने वाली जो दर है एक्सरसाइज के समय, उसकी जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लगभग लगभग एक मिनट में हम 50 से 60 बार सांस ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। भाई जो रेस्पायरेशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पायरेशन, एरो, एरो मतलब कि उसमें एयर प्रेजेंट होती है, और सेकेंड है एनएरोबिक यानी कि उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। और जब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लेता है तो ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में और वाटर में। भाई जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, और जैसे ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये किस चीज़ में बदल जाते हैं, ग्लूकोज CO2 में और वाटर में बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, 30 ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में। और ATP क्या होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो उसके एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन्स है, फिश है, वृद्ध बर्ड्स है एक्सेट्रा, ये सभी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन दी हुई है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जो हमने खाना खाया और वो हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा ली, और जब ये दोनों इनका ऑक्सीडेशन, एक वर्ड आया था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी भी चीज़ में हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो उसका वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जब इन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं, वाटर बनता है जो पसीने के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा बाहर आता है हमारी बॉडी से, और हमें खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है जो कि हमें ATP के रूप में मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल एंड CO2। अब जो भाई इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, उसमें प्रोड्यूस होते हैं क्या क्या, इथाइल अल्कोहल एंड CO2। और नेक्स्ट आता है कंपैरेटिवली लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड टू ATP मॉलिक्यूल्स। और भाई एरोबिक रेस्पायरेशन की तुलना में एनएरोबिक रेस्पायरेशन में बहुत कम एनर्जी मिलती है, प्रोड्यूस होती है, कितने ATP मॉलिक्यूल्स होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इसके हैं बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा, इन सभी में एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है ग्लूकोज इज इक्वल टू इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, और कितने ATP में मिलती है एनर्जी, 2 ATP मॉलिक्यूल्स में। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लिखा क्योंकि एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन अब्सेंस होता है। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन, द प्रोसेस वेयर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया रेस्पायर एन एरोबिकली टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड CO2 फ्रॉम फूड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। भाई फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है, बैक्टीरिया है, रेस्पायर यानी कि अपना सांस लेने का प्रोसेस करते हैं एनएरोबिकली प्रोसेस से, और प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल CO2 फ्रॉम फूड के रूप में, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और क्या कहलाता है, ये फर्मेंटेशन कहलाता है।
नेक्स्ट हेडिंग आती है रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। भाई रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में वो किस तरीके से है। द रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड, यानी कि जो ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं उनके बारे में बताया जाएगा। रेस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैक्ट और रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स दोनों अलग अलग साइड लिखे हुए हैं। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में तो सिर्फ लंग्स आता है, ठीक है, और जो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मतलब पाथ, जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, जो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो किन किन ऑर्गन से होकर निकलता है। तो सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं वो नोस्ट्रिल एंड नेसल पासेस यानी कि नोज के द्वारा लिया जाता है, फिर वो पैरिंग्स में जाता है, फिर वो ट्रेकिया में जाता है, एंड ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, और नेक्स्ट आता है एल्वियोली। तो ये ट्रैक्ट हैं और ये जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में जो लंग्स आता है वो ऑर्गन्स हैं। ये पूरा आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट आता है रेस्पायरेशन इन अदर एनिमल्स। भाई जो अदर एनिमल्स हैं उनमें रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, कौन से ऑर्गन्स हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस ग्रासोपर्स एंड बीज हैव स्पेशल एयर होल्स ऑन दियर बॉडी सरफेस कॉल्ड स्पायरिकल्स। भाई जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोचेस है, ग्रासोपर है एंड बीज है, इनमें एक स्पेशल हेयर होल्स होते हैं इनकी बॉडी सरफेस में जिनको स्पायरिकल्स कहा जाता है, इनके द्वारा ये सांस लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म हैव ए मोइस्ट एंड स्लिमी स्किन। भाई जो एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थवॉर्म है वो सांस लेने का जो काम करता है वो उसकी जो स्किन होती है मोस्ट यानी कि जो उसकी ऊपर की जो चिकनी चिकनी जो स्किन होती है उसके द्वारा वो सांस लेता है। नेक्स्ट आता है एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिशेज हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। भाई एक्वाटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेज है, उनमें एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जैसे कि गिल्स, उसके द्वारा सांस लेते हैं। और नेक्स्ट है द मेजोरिटी ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स द स्टोमेटा। भाई द मेजोरिटी ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, भाई जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी गैस का जो एक्सचेंज होता है वो एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, क्योंकि जो उनके लीव्स होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और उसी की हेल्प से वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने इसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिखे हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मैसेज में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। चलिए स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।